हिना खान ने बिग बॉस में आकर वाकई काफी बड़ी गलती कर दी है। एक के बाद एक टीवी इंडस्ट्री के कलाकार हिना पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। कोई साफ तौर पर हिना को फटकार लगा रहा है तो कोई ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष कर रहा है, लेकिन वो लोग जो भी कर रहे हैं उसके पीछे रीजन है। हिना ने खुद ही इतने बड़े बड़े बयान दिए हैं कि वह सबकी नजरों में गिर गई है। खास करके बीते दिनों उन्होंने गौहर, साक्षी तंवर और संजीदा शेख पर एक बड़ा बयान दिया था। उनके बयान के बाद हिना को ट्विटर पर काफी लताड़ लगाई गई। इसी सिलसिले में अब पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी संभावना सेठ का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, संभावना ने अपने एक वीडियो में हिना की निंदा की है। संभावना ने कहा कि मैंने बिग बॉस के कुछ वीडियोस देखकर हिना पर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद हिना के लोगों ने, या यूं कहें कि उनके फैंस ने मुझे भर भर कर गालियाँ दी। उन्होंने ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक मुझे गालियाँ दी हैं। जो वीडियो मैंने देखा और जिस वीडियो के आधार पर मैंने वो ट्वीट किया, उस वीडियो में हिना एक एक्टर होकर दूसरी एक्टर पर इतनी गंदी बात कर रही थी। संभावना ने आगे कहा कि हिना ने साक्षी तंवर पर कमेंट किया। उन्होंने संजीदा शेख को कहा कि वो खूबसूरत तो है लेकिन कैमरे के आगे कुछ खास नहीं दिखती। उसके बाद उन्होंने अपने और गौहर के फॉलोवर्स की तुलना भी करना शुरू कर दी। ये सब देखकर मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि एक लड़की किसी दूसरी लड़की पर ऐसे कमेंट्स कैसे कर सकती है। अर्शी खान की तो बात ही छोड़िए, मैंने अर्शी खान को माफ किया क्योंकि वो इस इंडस्ट्री की है ही नहीं, मैंने उसे कभी इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा ही नहीं है, तो उन्होंने जो भी कहा उसके कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिना तो एक्टर है, उन्हें तो सोच समझ कर बयान देने चाहिए किसी और के बारे में। जब मैं बिग बॉस में गई थी तब तो इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे चीजें इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, तो क्या हम स्टार्स नहीं थे? क्या किसी के फॉलोवर्स से उनकी पॉपुलैरिटी का पता लगा सकते हैं कि वो कितने पॉपुलर हैं? इस तरीके कमेंट करना हिना पर शोभा नहीं देता। उन्होंने ये जो भी बोला है इससे अपने लिए मुसीबतें बढ़ा ली हैं। फॉर मोर बॉलीवुड एंड बॉलीवुड अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल सवेरा स्टार टॉक्स।